मजदूर हैं, मतलब कि चुनाई करेंगे जो उनको सुबह को वो आए थे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद अकरम और आप देख रहे हैं अकरम लोग शो। तो आज का लोग स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल अकरम लोग शो को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जा रहे हैं चार्जर वगैरह लेने के लिए और पंखा भी बनवाना है, इसे खराब हो गया था इसका, है ना? बहुत मच्छर, बहुत गर्मी है। अच्छा अच्छी स्टार रह रहा है। अच्छा हल रही है। सो ये तालाब, और हमारे पास कल बरसात जो हुई थी उसके बाद बिजली आई नहीं, लाइट हमारे पास 3 दिन हो चुके हैं आई नहीं, तो इसीलिए सोलर वाला जो चार्जर होता है वो लेने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो शहर से लौट कर घर जा रहे हैं अभी। वहाँ पर उनका शहर से लौट कर घर जा रहे हैं। मैंने शहर में शूट नहीं किया, 2% पर जो है ना वीडियो चल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या मसला था। मोबाइल की चार्जिंग डाउन थी, सो चार्जर लिया और वहाँ पर चेक करते हैं ना, चेक करने मोबाइल या फिर अब जो है वीडियो बना रहा हूँ और अभी घर जा रहे हैं, सामान वगैरह ले लिया है और अब ये घर चलते हैं। आप मोबाइल को चार्ज और आगे काम चल रहा है, पता नहीं क्या बना रहे हैं यहाँ पर। इन्ना के चला वाट कैसे आज देखे और अभी जा रहे हैं यहाँ पर दुकान पर काम है। अभी मैं फिर से बकरियों को यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। अभी जो है ना हमारा बकरियों चराने का सीज़न आ चुका है। हम मतलब के कपास के ये जो कपास ऐसे भिलाएंगे ना जब, तो हम बकरियों को चराते रहते हैं, कपास की भिलाई जब होगी सो हमें बकरियों को मतलब के पूरा चरवा कर फिर उसमें करना काम ये पड़ता है कि मुंडी लगानी पड़ती है, मतलब कि काटने पड़ते हैं वो। सो अब से वो सीज़न शुरू हो चुका है हमारा, मतलब कि अब तीसरी चुंडाई हो चुकी है, सो अब शुरू है बस भिलाई जैसे। और मैंने बकरियों को ये कितनी जो है ना तोड़ के दे दी है और अभी सिद्धू से अलग का सॉन्ग चल रहा है। बकरियों को मैंने बहुत सी तोड़ के दे दी है, ये आप देख सकते हैं, तो ज़्यादा है मेरे ख्याल से, अब इन्हें ले जाते हैं। सनसेट जो है हो रहा है आप देख रहे होंगे और मैं आया हूँ कपास के फसल में। कपास के फसल की जो मजदूर हैं, मतलब कि चुनाई करेंगे जो उनको सुबह को वो आए थे, वो देख कर गया था, सुबह भेजेगा उनको मजदूरों को, वो चुनाई करेंगे। और बाकी आप देख सकते हैं सफ़ेद हो चुके हैं, बरसात भी वो बनी हुई है, कभी भी आ सकती है बरसात। तो पिछले साल जो है ना ये जो कपास है इसके अंदर जो है ना बीज होता है कपास का, उसमें हो गई थी कपास, चक्के निकले हुए थे उसमें से, सो उसके डर से हम निकलवा रहे हैं। गई थी पिछले साल 2 महीने तक आली थी, तब मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, अभी शुरू की है व्लॉगिंग पिछले ईद से, पिछली वो अभी सनसेट तो हो गया है। हाँ वहाँ पर बरसात आप देख सकते हो पेड़ों में छुपी हुई है, तो इसी डर से हम चुनाई करवा रहे हैं कपास की। और कभी कभी मैं जो है ना सारियों के अनाज खाता रहता हूँ। पिछली बार जो है ना ब्लॉगर जो मिलने आया था मेरे पास, वो उस बार ब्लॉग में मैं चावल खा रहा था, ये जो होते हैं ना ये दाना ये खा रहा था। मैंने देखा ब्लॉग, मैंने कहा अच्छा
ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं पान खा रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं क्लियर कर देता हूँ ये बात। अनाज खाते हैं भूख से, कच्चा कच्चा टेस्टी होता है, इसीलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।